हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको, ये हमारे पास एक कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है सर घरेलू ब्याज कैसे निकालें। इनका नाम माँ भवानी एक्सप्रेस। तो आप ध्यान से देखें अपना वीडियो, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, ठीक है। जो गाँव में घरेलू बोले हैं ये, तो महीने का ब्याज चलता है, ठीक है। मान लो आपने 10,000 रुपये दिए, ठीक है, एक नॉर्मल सी संख्या ले लेते हैं। ये देखो, ये 10,000 रुपये आपने किसी को दिए या लिए ब्याज पे, ठीक है। इसके बाद में आप ये बटन दबाएं, परसेंट वाला, ये है ना, इससे परसेंट लग जाती है कितने परसेंट के लिए दिया गया है ये, ठीक है। यहाँ परसेंट लगा लें, और यहाँ पे जैसे मान लो तुम 5 रुपये परसेंट दिया है, ठीक है, ये 5 रुपये परसेंट। इसके बाद में गुणा का निशान लगाने के बाद में वो आपको जितने महीने की ब्याज निकालनी है आप निकाल सकते हैं, जो गाँव में लेते हैं, ठीक है, घरों में लेते हैं। बैंक का ब्याज नहीं है, बैंक का ब्याज अलग रहता है, और ये घरेलू अलग रहता है ब्याज, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, पहले 10,000, उसके बाद में आपको परसेंट का निशान लगाना है, उसके बाद में ये गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये पहले परसेंट लगा दी, उसके बाद में आपको जैसे 5% है तो 5 दबा दो, ठीक है। उसके बाद में गुणा का निशान लगाना, ठीक है। और उसके बाद में जितने महीने का निकालना है वो निकाल सकते हैं। मान लो 4 महीने का निकालना है, तो ये 2,000 रुपये हो गया 10,000 का, ठीक है, 5 रुपये सैकड़े की ब्याज से। और मान लो तुम यहाँ पर, मान लो 43 महीने का 21,500 रुपये ब्याज का बन गया, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि ब्याज कैसे निकालते हैं। और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हम दूसरा कोई वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। और आपके मन में कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।